आज के इस वीडियो में आपको स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे अपनी लिस्टिंग पे व्यूज़ को कैसे चेक करते हैं। अब ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके सीखने के लिए। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर आपको मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग्स करी हुई हैं और आपकी कुछ लिस्टिंगों पे मतलब सेल्स जनरेट नहीं हो रही, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपकी लिस्टिंग पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, उस पर क्लिक कितने आ रहे हैं, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं और किन किन लिस्टिंग पे इम्प्रेशंस वगैरह आने के बाद भी सेल नहीं आ रही है। इससे फिर क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि आपकी लिस्टिंग में कोई ना कोई कमी है, उस लिस्टिंग में जिसमें व्यू वगैरह तो आ रहे हैं लेकिन लोग खरीद नहीं रहे हैं, तो आपकी उस लिस्टिंग में कुछ ना कुछ कमी है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। और दूसरा ये ऐसे काम आती है कि मान लीजिए आप सेलर हैं, आपको एड्स चलाने हैं, आपका बजट कम है, बहुत ज़्यादा महंगे एड्स नहीं चला सकते हैं आप, तो आप फिर क्या करेंगे, आप देखेंगे कि कौन सी लिस्टिंग पे आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जिन लिस्टिंगों पे व्यू आ रहे हैं उनको तो आप छोड़ देंगे, उन पे वैसे ही व्यू आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट के एल्गोरिथम वैसे ही उन्हें पुश कर रहा है। जिन पे नहीं आ रहे हैं और आपकी वो लिस्टिंग अच्छी होगी तो आप उन पे ऐड चला सकते हैं। तो दो चीज़ों के लिए काम आता है ये। एक तो इम्प्रूवमेंट, किस लिस्टिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको किन किन पे ऐड चलाते हैं, और भी किसी पर्सनल रीजन की वजह से काम आ सकता है, वो आपको पता होगा आपको किस लिए जानना है। बाकी ये दो मेन रीज़न थे। तो बड़ा आसान है, इसके लिए अपना फ्लिपकार्ट का सेलर का अकाउंट जो है लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे ग्रोथ का कॉलम है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ ट्रैफिक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो अभी तो यहाँ क्या होगा, ये तो ओवरऑल जो है ट्रैफिक रिपोर्ट आएगी, मतलब ओवरऑल आपके प्रोडक्ट में कितने इंप्रेशंस आए, क्लिक्स आए, ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, बाय नाउ कितने में किया, कन्वर्शन कितने में आया, ये सब तो ऐसे है। अब आपको अगर लिस्टिंग वाइज देखना है तो आप नीचे नीचे आएंगे और यहाँ आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स होंगी, ऑल टॉप परफॉर्मिंग आप क्लिक कर लेंगे, स्लो सेलिंग, नॉन सेलिंग जो भी होगी, या फिर ऑल पे दबा देंगे, फिर आप बताया जाएगा कि आपकी लिस्टिंग में कितने इंप्रेशंस आए हैं, कि क्लिक्स कितने आए हैं लिस्टिंग पे, और बाय कितने लोगों ने किया है, और मतलब ऑर्डर कितनी लिस्टिंग का आया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी इसमें सिर्फ दो ही दिखाना है ये, क्योंकि क्या है, ये मेरा प्रैक्टिस अकाउंट है, ये एक्चुअली मतलब मैंने यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए ये अकाउंट खोला है अपने फ्लिपकार्ट का, ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है, तो इसमें तो अभी कमी दिखेगा आपको डेटा, ठीक है। तो मतलब ये ट्यूटोरियल्स के हिसाब से अकाउंट है, तो इस तरीके से है। इसके अलावा इसमें देखो लास्ट 7 डेज दिया हुआ है, आप चाहे तो मंथ वाइज भी चुन सकते हैं डेटा कब का चाहिए, जैसे अप्रैल का मैंने निकाल लिया तो अप्रैल का अलग डेटा आया, आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने मार्च का निकाल लिया तो इसका अलग आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं कस्टम डेट डाल सकता हूँ कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक की कस्टम डेट भी डाल सकता हूँ, और इस हिसाब से क्या होगा, मुझे मेरे इंप्रेशंस वगैरह क्लिक्स वगैरह पता चल जाएंगे, ठीक है। आप इस तरीके से इस चीज़ का ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।